मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ऋषिस के पांचवें एपिसोड में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के जरिए बीमारियों का इलाज तो पहले से ही बताया गया है, फिर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई बार सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक बीमारी भी इंसान को घेर लेती है, जिससे हमें डील करना होता है, जैसे गुस्सा, लालच, जलन एक्सेट्रा। कैसे कोई इन बीमारियों से मुक्ति पा सकता है, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है, चलिए जानते हैं। महर्षि पतंजलि का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पतंजलि एक ऐसे ऋषि हैं जिनकी बुद्धि के सामने आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी केजी के बच्चे की तरह लगते हैं। जीवन के प्रति उनके समझ की सीमा इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यह एक इंसान में संभव है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के संकलक यानी कि कंपाइलर हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी इनका योगदान है, लेकिन समय के साथ उनके काम के प्रमाण कहीं खो गए हैं। केवल योग सूत्र ही है जिनके बारे में लोग जानते हैं। पतंजलि को फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है। इन्होंने योगा का आविष्कार नहीं किया, योगा तो पहले से ही विभिन्न रूपों में था। एक समय ऐसा था कि हर जगह हर गुरु का अपना एक अलग योगा चल रहा था और वे सारे सही भी थे, पर फिर भी इतने हजारों प्रकार के योगा हो गए थे जो लोगों के समझने के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तब पतंजलि ने इन्हें एक सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जो लोगों के समझने के लिए आसान हो गया और उन्होंने इसे योग सूत्र का नाम दिया। असलियत में सूत्र का मतलब धागा होता है, या अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो यह एक फॉर्मूले की तरह है। सभी जानते हैं कि E=MC² होता है, पर इस छोटे से फॉर्मूले के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है जिसे ज़्यादातर लोग समझ भी नहीं पाते। जिस प्रकार किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने पर उसके परिणाम निश्चित होते हैं, उसी प्रकार पतंजलि योग सूत्र को अप्लाई करने पर हमारे जीवन और सेहत में एक निश्चित परिणाम मिलता है। पतंजलि के योग सूत्र को बुक कहना सही नहीं होगा, यह एक बुक नहीं बल्कि टूल्स का कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। एक ऐसा शानदार टूल जिसे शानदार तरीके से अरेंज किया गया है। योग सूत्र में 195 सूत्रों को संकलित किया गया है जो योग को डेली रूटीन से जोड़ने और इथिकल लाइफ जीने में मदद करता है। योग सूत्र को संकलित करने का निश्चित तारीख तो नहीं पता, पर माना जाता है कि यह 2nd century में हुआ था। इन सूत्रों को 4 chapters में बताया गया है। पहला समाधि पद, दूसरा साधना पद, तीसरा विभूति पद, चौथा और आखिरी कैवल्य पद। समाधि पद में एनलाइटमेंट के बारे में बताया गया है। साधना पद में योगा प्रैक्टिस के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। विभूति पद में योगा प्रैक्टिस के प्रोग्रेस और रिजल्ट के बारे में बताया गया है, और कैवल्य पद में लिबरेशन यानी कि मुक्ति के बारे में बताया गया है। पतंजलि ने बहुत से फील्ड में अपना योगदान दिया है, जैसे आयुर्वेद, लैंग्वेज, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स। आज के विद्वान यह तर्क देते हैं कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, कई व्यक्ति मिलकर यह काम किए होंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा है और यह किसी एक व्यक्ति के बुद्धि में फिट नहीं हो सकता, लेकिन यह एक व्यक्ति का काम है। पतंजलि शायद इस ग्रह के सबसे बुद्धिमानों में से एक थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे ऋषि इतने बुद्धिमान कैसे थे, तो इसका जवाब आपको यहाँ पे आई बटन पे जो लिंक है उसमें मिल जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और आप किन किन टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मॉडर्न बाबा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।